बेटा जी पानी बता सको पहले भी कल बताओ तेल लेके आओ ना तुम दिक्कतें मैं देख लेती हूँ पहले इसको देख ठीक है ना इसको कल लेके आना ठीक है और पानी बता सको उसके ऊपर से कैसे बच्चे बता दें असर है इसके ऊपर असर के साथ और क्या चीज़ है वो देख वो मैं देख लेती हूँ जितने भी छोड़ जाओ आप पति रहेंगे तो बेटे की घर में रहते हो ना ठीक है जी आ जाओ नाम क्या जी आपका मेरा महेंद्र है पिता का नाम अफर सिंह गांव मंगरौली 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 गाँव बेटा ये जेवर के पास आपका नाम क्या है महेंद्र ये सोचते सोचते कौन डरता है डर जाते हैं ना एकदम से नींद टूटती है सुबह सुबह 4-5 बजे के करीब आ गई खुल जाती है ना कई बार ऐसा लगता है कोई दरवाजा बज रहा है कुंडी एक्सीडेंट होता होता किसका बचा था चोट लगती लगती बची है कौन था बाइक पे टायर फिसल गया एकदम से लगा जैसे किसी ने बचा लिया पकड़ के है ना अभी नई बाइक पे ली थी 2-4 महीने पहले है ना पर एकदम से लगा किसी ने उठा के एक साफ कर दिया उसे उसी दिन की बात है आंखें लाल किसकी लगती है तुम्हारे घर ससुर नहीं है क्या तुम्हारा खत्म हो रखा है उसके लिए क्या कुछ कर रखा है अब तो श्राद्ध चल रहे हैं आगे खड़ा है देखे हैं आगे भी खड़ा है वो उसके तो खुले दिन है अब वो यूँ कह रहा है कि क्या दिया है मुझे कपड़े पहनाए थे कब अभी पहनाए हैं और क्या देते हो उसको वो ये कह रहा है कि तुम लोगों को ये बताया कि वो घर में नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलता था घर में नंगे पैर नहीं चलते थे वो चप्पल उन्हें प्यारी थी मतलब पहन के रखते थे चप्पल दी है उन्हें वो नंगे पैर खड़े हैं पैर में छाने हैं और यूँ कह रही तो वो उनको बताया मैं पैर से चप्पल नहीं उतारता था ऐसा ही था चप्पल भी दे देना उनके नाम की ठीक है ना मास आओगे उनकी मौस इस तरह दोगे मौस पे इस पर दे दियो सब में किसके दर्द रहता आपके सब में आप ही इसके ऊपर से पानी बता से करवाओ नींबू करवाओ इसके ऊपर से 4 टुकड़े करके सब दिशाओं में फिर पहले ये करवाओ तेल दूध से चलवाओ इनके घर में काम धंधा सरकारी नौकरी दी है किसी की आपकी है क्या दिक्कत क्या आपकी इस चीज़ की है कौन सी अच्छा फिर क्या दिक्कत है अभी तो यही सब चीज़ें हैं ना ठीक है तेल बहुत चालू करवाओ नींबू करवाओ 4 टुकड़े का वाला और इनके पास बेटा से करवाओ और कल इनको बुलाओ बाल धो के आना बेटा तुमने बाल धो के बेटा जी अभी जो माँ भगवती ने दिखाया है तेरे साथ संकट दिखाया है लेकिन वो जय माता की जयकारे इसलिए लगाता है क्योंकि तुम लोग माता के भगत हो समझ रहे हो तो वो हाँ तो वो हाँ भी हो नहीं रहा है यानी माँ उसको दबा दे रही है मतलब कि जो जो दिक्कतें होनी थी ना वो होने नहीं दे रही है माँ लेकिन शरीर पे वो आ चुका है ठीक है अब कल से इसलिए बुलाया है कि संकट हुआ तो सब साथ ही साथ कट जाएगा ठीक है संकट है माँ दिखा रही है और एक नहीं है दो है मियाँ बीवी जुड़े हुए ठीक है पर माँ का भी असर आ रहा है तो बेटा जी कहीं ऐसा ना हो मैं संकट काट दूँ साथ में माँ भी चली जाए शनिवार काली का दिन होता है भद्रकाली का तो संकट को अपने साथ ले जाती है सवारी को छोड़ देती है कल संकटों का ही दिन पास पिता से आज करवा दो आज करवा दो
तबीयत खराब होती है तो सुबह के 4 बजे मेरे को तो खाने के लिए लड्डू लड्डू देता है। सर तक यहाँ बैठा है लड्डू खाते ही और मेरे पूरे बदन में जलन ऐसे और कैसे मैं रास्ता भी नहीं चल पाती। मेरे माजी बड़े बड़े बच्चे मुझे सर बाबू टेंशन क्या ले रही। बड़े बच्चे उन्हें नहीं दिख रहा, माँ बाप आपने पाले हैं, छोटे होते तो टेंशन लेती तू कि कौन संभालेगा, बड़े बड़े हैं संभालने वाले बैठे हैं, क्यों टेंशन ले रही है। जो कहा तू पहले अभी ये कर, फिर मैं देख लूंगी ठीक है ना, गोला लेके आएगा सर धो के अभी पहले बेटा सनबट काटूंगा, घर में कोई भी काम नहीं बन रहा है, घर में दिक्कत है, पहले काटू शादी करता हूँ ठीक है।